चलो गाइस फाइनली रिपोर्ट तो आ गई, देख रहे हो कॉन्फिडेंशियल टेस्ट रिपोर्ट। पता नहीं कितना मात्रा ऑफ गांजा पाया जाएगा मेरे अंदर। चलो अब एक बार डॉक्टर को पूछा है क्या दिक्कत है। भाई देख लो तुम्हारे भाई की रिपोर्ट्स तो आ गई हैं। ये कहता है आईजी लेवल होना चाहिए लेस देन 64 और मेरा माँ की टेंट पहुँचा हुआ है 622। बहन की शिगी है भाई। ठीक है, ये वैसे तो कह रहा है नो क्लोज कोरिलेशन हैज बीन डेमोंस्ट्रेटेड। मैं पढ़ के क्या ही बताऊंगा, देख लेना यार क्या है। बट डॉक्टर ने बोला है कि ये बहुत हाई है। भाई डॉक्टर सर ने तो बोल दिया है कि परफ्यूम नहीं लगाना है। लाइट हाई हाई भाई, परफ्यूम के बिना तो मैं मर लूँगा। मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो परफ्यूम से नहाता है। नहीं लगाएंगे। बाकी अब जो काला कांडी होनी थी जीवन में हो गई, तो एलर्जी हाई है। परफ्यूम नहीं लगाना, स्पाइसी नहीं खाना, लौड़ा नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना। ओके गाइस, मीट यू इन द मॉर्निंग। अब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। गुड नाइट। ये देखना गाइस, दिल्ली 6 के कुत्ते कुत्ते नहीं है भैन चोद। दूध पीते बच्चे हैं, टीथिंग कर रहे हैं अपनी। हद होगी भाई, इसको कौन चबाता है यार। चलो यार हमें एक नया लगवा लेंगे, YouTube से बहुत पैसा आ रहा है। स्टार्ट करें। ले प्रभु का नाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है मेरी जानों के। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत लेके फुल पावर। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल है जी। भाई साहब सही बताओ, कल डॉक्टर ने मुंडिया फाड़ दी भाई, फाड़ दी। मैंने कल रात को तुम्हें वो रिपोर्ट्स वाली क्लिप दिखाई है ना भाई साहब, डॉक्टर ने बोला क्या कर रखा है तूने अपने साथ। मैंने बोला इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी कुछ किया है। मैं तो शरीफ बालक की तरह भाई डेली सुबह को ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आ जाता हूँ, ना कुछ गंद बंद खाता ना कुछ करता। नहीं तो मैं, मुझे पता ना मैं चिकन खाता हूँ, उसको थोड़ी पता है। तो हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए ना ये बात। हाँ तो मैंने बोला मैं तो शरीफ बालकों की तरह रहता हूँ। बोलते बेटा कुछ IEG करके होता है, मुझे अभी तक उसकी फुल फॉर्म समझ नहीं आई है। किस बात का लॉयर बनेगा रे मैं, चूरन वाला लॉयर। अच्छा ठीक है, तो भाई वो IEG होना चाहिए लेस देन 64 और माँ की ठंड भाई वो मेरा आया है 662। डॉक्टर बोलते है तो बहुत ज्यादा है। फिर दोबारा उसने वो चाबी ली, मेरा हाथ रगड़ने लगा, वो एक चाबी का एक निशान मारा, वो पूरा हाथ लाल हो गया। मैंने बोला ये छुआछूत की बीमारी तो नहीं होगी मुझे। बोलते बेटा कुछ नहीं हुआ तुझे, तो दवाई खाओ। तो खामखा 1540 रुपए का बिल बना दिया साढ़े ने। बोलता ये दवाई खानी है, ये वो सोप यूज करना। अबे हम बॉडी वॉश यूज करते हैं यार। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं भी डब वाले बंदा हूँ। ठीक है, हम डब यूज करते हैं, बालों में शैम्पू यूज करते हैं। भाई उसने पता है मेरे से क्या छीन लिया। बोलता परफ्यूम नहीं लगाना है। भाई जो लोग मुझे जानते हैं सब लोग जानते हैं कि मैं परफ्यूम से नहाने वाला बंदा हूँ भाई, मेरे से रहा ही नहीं जाता बिना परफ्यूम के। और वो कह रहा है कि परफ्यूम नहीं लगाना है और फिर कहता है कि स्पाइसी फूड नहीं खाना है। अबे भाई पंजाबी हूँ, हमारा खाना बिना मिर्ची के पकता नहीं है। तो दोनों मेन चीज मेरी जिंदगी से जा चुके हैं गाइस, RIP परफ्यूम एंड RIP स्पाइसी फूड्स। बस इतनी बकचोदी काफी है, 2.5 मिनट तक लगातार बोल दिया मैं। अब ऑफिस चलते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। वही अगेन लेट तो हो ही गया तुम्हारा भाई। ठीक है अब हो गए जाके देखते हैं ऑफिस में क्या होगा। चलो गाइस लेट्स गो गाइस। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just like the flick of bullet fly, I'm the last one to die. Shit.
बकरी अच्छा एक 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 जैसे अभी खाया था खाओ ना मैं चुराओ क्या पकड़ो जल्दी खाओ जल्दी मैं तो नहीं तुम बकरी कम बतख सब हो जल्दी खाओ ना वॉच टाइम बढ़ा रही हो खामा खा पब्लिक का पराठा खा लो गाइस हिप्पोपोटामस क्यों लग रही हो तुम खाती हुई भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आती घर से इतना सारा खाना आता है तभी भी बाहर से ऑर्डर करना होता है अच्छे से खाओ आइए लोगों को खाते हुए दिखा रहा कुछ भी कह लो भाई है तो तुम्हारा हॉट है भाई अभी ब्लरी ब्लरी दिख रहा है बट पीछे जाके दिखाएंगे क्या थोड़ा सा या बेबी हॉट तो है तुम्हारा भाई है भाई चलो गाइस ख़त्म करते हैं अब चलो गाइस दिन की करते हैं समाप्ति थोड़ा सा आज व्लॉग छोटा बनाओ अगर छोटा होगा तो यार माइंड मत करना क्योंकि आज तबीयत भी ख़राब थी तुम्हारे भाई की आफाक तुम्हारे भाई की तबीयत भी ख़राब थी और मूड भी नहीं था व्लॉगिंग करने का बट तभी भी मैं बीच में कुछ गैप नहीं करना चाहता कम से कम 6 महीने तक तो एक छुट्टी नहीं लेगा तुम्हारा भाई बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक कर देना कट नहीं करेंगे दोबारा बोलेंगे अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए और पसंद आई है तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना और अगर पसंद नहीं आई तभी भी लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना इस क्यूट से चेहरे को देख के ठीक है बाकी आज तुम्हारे भाई ने तुम्हें रिपोर्ट्स दिखा दी है तुमने रिपोर्ट्स देख ली हैं क्या भाई बुनिया तो फटी पड़ी है तुम्हारे भाई की बट कोई बात नहीं तुम्हारा भाई रेगुलर व्लॉगिंग ऐसे ही चालू रखेगा विदाउट एनी स्टॉप ये व्लॉग मेरे हिसाब से 7-7.5 मिनट से ऊपर का तो बनेगा नहीं आई गेस बिकॉज कुछ था नहीं आज ज़्यादा करने को और आज बहुत बोरिंग डे है इतनी धूप है मैं इन लोगों को बोलता बोलता थक गया कि मेरे कंटेंट के लिए कहीं बाहर चल लेते हैं कुछ कर लेते हैं बट नहीं ठीक है तो मैं विदा लेता हूँ इंग्लिश में बोल देते हैं आई टेक अ लीव इफ यू लाइक इट सब्सक्राइब इट प्रेस द बेल आइकन गाइस ठीक है आई टेक अ लीव अंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू पीपल ये कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले